दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर मेरी नई वीडियो में। आज आपसे बात कर रहे हैं एक्टिवा 6G जो स्कूटर मेरे सामने है, जो कि BA6 वेरिएंट में आता है। ये गाड़ी की एक कॉमन प्रॉब्लम है और ऐसी बहुत सारी गाड़ियों में प्रॉब्लम आ चुकी है दोस्तों, लेकिन आज मुझे लगा कि आप लोगों को शेयर करनी चाहिए। इसमें बहुत बड़ी कमी रही होंडा कंपनी की तरफ से, जब उसका मैन्युफैक्चरिंग किया गया था गाड़ी का, तब इंजन के डिज़ाइन में थोड़ा सा कमी रह गया था उनका। वो बहुत छोटी चीज़ है बट बहुत बड़े लेवल पर दिक्कत करती है ग्राहक को। कंपनी वाले तो क्या करते हैं, 3,500 रुपये का इसका जो इंजन का चैम्बर आता है उसको बदल देते हैं क्लेम में। वारंटी तो वो करते नहीं, हालांकि वारंटी होना था, क्योंकि वो वारंटी तो करते नहीं है। उनका कहना है कि डैमेज पार्ट है, इसने हम इंश्योरेंस क्लेम से ग्राहक अगर गले पड़ता है उनके, आपका डिज़ाइन इतना छोटा नक्का दिया आपने या टूट गया, तो ग्राहक को कंसिडर करके जो इंश्योरेंस क्लेम होता है, इंश्योरेंस क्लेम में ग्राहक को फ़ायदा दिला देते हैं दोस्तों। तो मेरे भी कस्टमर, इनसे मैं बात करूँगा कि वो पार्ट जो टूटा है उसके लिए इंश्योरेंस क्लेम अगर पॉसिबल हुआ, अगर बीमा इनका रेडी कंप्लीट चालू है अभी रनिंग कंडीशन में है, तो अपन बीमे में उसकी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर कस्टमर का बीमा नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा, तो कुछ कोशिश करेंगे कि उसकी इतना बड़ा खर्चा जो केवल पार्ट की को 3,500 रुपये, उसके अलावा इंजन पूरा खोलता हूँ और बदलता हूँ, तो उसकी कॉस्ट ऑयल सील वगैरह बहुत सारा खर्चा उसके लिए होता है और टाइम भी लगता है दोस्तों। तो मैं गाड़ी एक बार पास में ला के दिखा देता हूँ, चलिए कितनी वो भी दिखाऊंगा, और एक बार गाड़ी को आप पास में ला के समझ लीजिए कौन सी गाड़ी में क्या इशू की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं एक्टिवा 6G की, यहाँ ब्रांडिंग रखी है, पूरा गाड़ी दिख रहा है आपको कम्प्लीटली। मैं आपका इग्निशन ऑन करके गाड़ी का किलोमीटर भी दिखा देता हूँ, जो कि 23,381 किलोमीटर लगभग गाड़ी ये चला हुआ है, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। और जो इसका MIL है उसका इंडिशन भी यहाँ था, BA6 के लाइट जिसको बोलते हैं आम सभी लोग, ये गाड़ी है। गाड़ी अभी स्टार्ट है, हालांकि गाड़ी में स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, ये गाड़ी स्टार्ट है, सब कुछ है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है दोस्तों, ये केवल गाड़ी साइड स्टैंड पे खड़ी रह पाती है, मेन स्टैंड पे खड़ी नहीं हो पा रही है, क्योंकि इसका जो मेन स्टैंड है वो इस तरह से टूटा पड़ा हुआ है, नीचे की तरफ से ये लटक गया है दोस्तों, क्योंकि अब इसमें स्प्रिंग लगना भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो एक बार मैं गाड़ी को ऑफ़ करता हूँ, और ये जो स्टैंड है इसकी ये दिक्कत रही दोस्तों कि ये नहीं लग पा रहा है, और नहीं लग पाने का जो रीज़न है वो मेरे हाथ के अंदर है। आप ये देखिए, एक छोटा सा एल्यूमिनियम चैम्बर का एक टुकड़ा है, जो कि बहुत ही पतला बनाया था होंडा ने जब इसका मैन्युफैक्चरिंग किया, तो ये बहुत कमज़ोर इस पार्ट को कह सकते हैं दोस्तों, इस तरह से कमज़ोर इसको बनाया गया था। ये पार्ट जो है ये क्रैंकेस का टूटा हुआ टुकड़ा है, जो कि इस जगह पर नीचे की तरफ लोकेटेड होता है, यहाँ पर लगा होता है। ये जो पत्ती होती है वो इसके अंदर आके इस तरह से यहाँ फिक्स होती है, इसके अंदर ये नक्का लगा रहता है इस तरह से यहाँ पर, और ये सामने की तरफ यहाँ पर लगा होता है, कास्टिंग किया होता है जब इसको डालते हैं एल्यूमिनियम को सांचे में, तब ये नक्का बनाया जाता है। लेकिन इसकी जो स्टैंड की ये पत्ती है ये वाली, ये इसी के अंदर फिक्स रहती है, तभी ये स्टैंड लग पाता है। इसकी स्प्रिंग जो मूवमेंट करती है वो यहीं से करती है दोस्तों, तो आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं एक बार गाड़ी को उधर की तरफ झुका लेता हूँ। मैंने आपको दिखाने के लिए वैसे इसका कवर मैग्नेटो भी हटा दिया यहाँ से। यहाँ पर आप अगर रेगुलर कहीं पर सर्विस कराते हैं तो उस मैकेनिक भाइयों को जो पिंस वगैरह होती है, जब गाड़ी के पिन फ्री हो उस टाइम इसको प्रॉपर लुब्रिकेशन करते रहें टाइम टू टाइम, ताकि आगे जाके ये कंडीशन इसमें कभी ना आए, और इतना बड़ा खर्चा और इतना बड़ा नुकसान होने से ग्राहक की गाड़ी बच सकती है दोस्तों। आप पे ग्राहक बिलीव करता है और आपके पास अगर आता है, तो मेरी वीडियो का मकसद ये रहता है कि आप लोगों को वो बेहतर चीज़ मैं बता पाऊँ, जो अपने वर्कशॉप में आप अपने कस्टमर्स को दे पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा, और ग्राहक आपसे जुड़ा रहे और आपको हमेशा आपसे जुड़ा रहे, किसी और के पास वो ना जाए। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये वीडियो बनाई मैंने, ताकि जो काम मैं कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर जो मेरा परिवार है यूट्यूब का, उन लोगों के पास भी जानकारी होनी चाहिए कि पहले से प्रॉब्लम आने से पहले, हालांकि मार्केट में भी BA6 गाड़ियाँ बहुत सारे मैकेनिक्स भाई के पास सर्विस पर नहीं आ पा रही हैं, कुछ एक मैकेनिक भाई हैं सर्विस कर रहे होंगे, तो उनको भी ये वीडियो उनके लिए भी काम की है कि वो लोग पहले से इस तरह से कस्टमर की जो मेन स्टैंड की पिन जो जाम होती है इस तरह से उसको लुब्रिकेट करें, और टाइम टाइम ग्राहक को बताएं गाड़ी को आपको वॉश करानी है, इस तरह नीचे डस्ट लगती है इंजन के ऊपर, उसको डस्ट ना लगने दें, इस तरह से अगर वो यूज़ करेंगे और लुब्रिकेट करते रहेंगे तो ये वाली सिचुएशन नहीं आएगी दोस्तों। तो होंडा को भी इसमें ध्यान देना चाहिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट में तो कहता हूँ प्रो एक्टिव बन के ग्राहकों को बुला के अपने एंड से फ्री ऑफ कॉस्ट ये पार्ट चैम्बर जो है बदल के देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसी बहुत सारी यूजफुल वीडियो जो आपके लिए काम की रहेंगी वो आपको मिलने वाली है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को। और आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो मैं बहुत सारे बातों में बहुत सारे ऐसे मेजरली पॉइंट भी आपको बताता रहता हूँ अपनी हर वीडियो के अंदर, जो शायद आपने आज से पहले कभी सुने या जाने नहीं होंगे। लगता है मेरे लायक तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जहाँ तक होगा पॉसिबल उसका जवाब भी दोस्तों आपसे देता रहता हूँ। और मैं इस वाले केस में कोशिश करूँगा ग्राहक से बात करके, अगर इंश्योरेंस हुआ तो इंश्योरेंस क्लेम में चैम्बर डालने की बात करेंगे, अगर इंश्योरेंस फायदे वाला हुआ जो मैंने बताया 0 डेप्थ और नील डेप्थ।
दोनों तरफ से स्टैंड को मैंने अलग कर दिया है, इसको मुझे काटना पड़ा हैंड ग्लाइंडर से। बड़े केयरफुली आप अगर आप यूज करना जानते हैं हैंड ग्लाइंडर तभी आप इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज कोई आपके यहाँ कोई फैब्रिकेशन वाला या इस तरह का काम करने वाला हो लेथ वाला तो उससे आप कटवा लीजिए। इस तरह से मैंने इसको तीन टुकड़े में काट दिया अलग अलग और एक साइड से हल्का सा इसको टेढ़ा किया मैंने केयरफुली, क्योंकि इसके नीचे के जो एंड है वो एल्यूमिनियम के हैं दोस्तों, और इसमें ये फिक्स पिन लगी होती है जो कि एक बुशिंग का इसके अंदर काम करती है। तो जब भी इस पिन को निकाले बड़ा केयरफुल निकालना होता है। अब इस पिन को अलग करने के बाद ये मेरे पास नई वाली पिन इसकी होंडा की जेन्युइन 6G के पार्ट नंबर जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पर अवेलेबल है, तो ये अपने को नहीं डालनी होगी। उससे पहले यहाँ पर जो ये इसका नोक टूटी हुई है मेन स्टैंड की, इतना कमज़ोर सा नोक का हिस्सा दिया यहाँ पर जो कि आप देख पा रहे हैं, इसको बदल कर इसकी जगह कुछ दूसरा मैं इसकी काम करने वाला हूँ। ये वाला इसका नक्का देख लीजिए आप, इतना सा पतला था और जो यहाँ पर इस तरह से लगा हुआ होता है दोस्तों सीधा, लेकिन इतना बड़ा इंजन का सारा जोर पूरी गाड़ी का स्टैंड पे आता है और ये स्टैंड की पिन अगर जाम हो गई है मेन स्टैंड के अंदर कुछ दिक्कत आ गई जाम हो गया तो ये टूट जाता है दोस्तों। ये BS6 जो 6G एक्टिवा है पुराना वाला सभी में दिक्कत आ रही है दोस्तों, तो उसके लिए मैं एक नया कुछ काम करूँगा जो भी आपको आगे बताने वाला हूँ कि यहाँ पर मैं क्या करके इसका काम करने वाला हूँ। तो दोस्तों अब मेरे सामने आप देख रहे होंगे गियर लीवर वाइस हेक्सा पर मैंने टाइट किया है और यहाँ से इसको मैं हटा दूंगा और इसका आगे वाला जो हिस्सा वही मुझे यूज का और इसके बीच का आधा हिस्सा जो है आगे की तरफ का गियर लीवर का, ये हीरो होंडा सिटी डिलक्स गाड़ी का गियर लीवर है, इसको मैं बीच में से काट के और पीछे क्रू वाला एरिया जहाँ साफ फिट होती है उसको मैं हटा दूंगा और इसको वाइस में टाइट करके बड़े सावधानी से हैंड ग्लाइंडर की मदद इसमें बहुत ज़्यादा लेनी पड़ेगी दोस्तों। आप अगर हैंड ग्लाइंडर चलाने में अगर एक्सपर्ट हैं तभी आप ये काम करें, अदरवाइज ना करें। और गियर लीवर का ये ग्रूव वाला एरिया हटाने के बाद मैं इसके अंदर आगे वाला हिस्सा काट के प्रॉपर इसका मेजरमेंट लेना, नाप चोप लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और इस तरह का मैंने गियर लीवर लिया जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी और अच्छे स्टील और मेटल का बना हुआ है दोस्तों, तो ये जब भी आप काम करें बड़ा सावधानी रखें। और ये इसको काटने के बाद यहाँ से मैं सीधा आपको वर्कशॉप पे दिखाता हूँ कि किस तरह मैंने इसको फिट किया और किस तरह से सावधानी से सफाई करना पड़ेगा, पूरा काटना पड़ेगा, बहुत अलग से लगी हुई वीडियो अगर सारी बातें मैं बताऊँगा आपको, इसलिए मैं आपको यहाँ से काट के डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। ताज़ा हिस्सा मैंने आगे का गियर लीवर का काम में लिया, सीधी नेक्स्ट गियर लीवर है दोस्तों। तो जैसा कि आपने देखा केवल इसकी मेन स्टैंड का जो यहाँ पर ये लॉक लगती है स्टैंड के अंदर, ये एल्यूमिनियम की इस पोर्शन की टूट जाने की वजह से पूरा का पूरा इंजन का चैम्बर चेंज करना पड़ता दोस्तों, और इसके अलावा कोई बेहतर ऑप्शन नहीं था क्योंकि यहाँ पर वेल्डिंग भी सक्सेस नहीं है, क्योंकि वेल्डिंग कराने से इंजन का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म होता है और ये ऑयल सील और गैसकेट है उनमें लीकेज समस्या आ सकती है, और साथ में स्टेटर असेंबली भी जो उसका ACG सिस्टम है वो पूरा पास में लगा हुआ है तो दिक्कत था टेम्परेचर का, इसलिए वो काम नहीं किया क्योंकि वो सक्सेस नहीं होता। और एक तरीका और कर सकते थे अपन जो कि थ्रेड वाला होता, थ्रेड भी ज़्यादा इसमें थ्रेड डाल के 10 नंबर या 13 नंबर का बोर्ड लगाते वो भी सक्सेस नहीं होता दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर गुंजाइश बहुत कम है, अंदर बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, इसमें पार्टीशन में जो लेयर होती है आपने देखा होगा गियर लीवर, तो जो बाइक का गियर लीवर होता है मोटरसाइकिल का वो मैंने एक गियर लीवर लिया इस तरह का स्टील का, जो इसकी जो मजबूती है बहुत ज़्यादा इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में लीवर था। इसको यहाँ से मैंने आधा इसको काट के हटा दिया, आधा लीवर को यहाँ पर सेट किया दोस्तों। तो मैं एक बार कैमरा पास ला के भी आपको दिखाता हूँ कि इस तरह से आप परफेक्ट तरीके से ग्राहक का ये काम आप कर सकते हैं, जिसको कि आप देख रहे हैं जो गियर लीवर का नक्का होता है, जो गियर लीवर का पेडल होता है शिफ्ट वाला, वो आधा मैंने इसमें डाल दिया और आधा यहाँ से कट कर दिया दोस्तों। आधा लीवर जो है वो ये रहे दोस्तों, ये वाला हिस्सा यहाँ पर इस तरह से लगा हुआ था आधा वाला लीवर, इस लीवर को मैंने काट के जो आगे ले जो पेडल काम में लेते हैं गियर शिफ्टर उसकी ये वाला आधा हिस्सा मैंने काट के उसको इसके अंदर यहाँ फिक्स कर दिया दोस्तों। तो मैं एक बार आपको पास में भी दिखाता हूँ, यहाँ पर इस जगह पर ये जो एल्यूमिनियम का नक्का था वो इस में फिक्स होता है, ये आपको नई वाली मैं पिन दिखा रहा हूँ जो कि अंदर एक लगी हुई एक मेरे हाथ में है, ये इस तरह से ये इसमें लॉक इसमें फंसती थी और ये टूट गया यहाँ सर, तो उसको मैंने यहाँ से थोड़ा घिस दिया नीचे की तरफ से ताकि वहाँ पर स्पेस बन गया, और यहाँ पर गियर लीवर का जो नोक होती है गियर लीवर की आधी इसमें लगा दी मैंने और आधे को ग्लाइंडर से काट दिया दोस्तों। और इस तरह से जो बोल्ट होते हैं इंजन के दो 6mm के जो थ्रेड्स वाले बोल्ट होते हैं उन बोल्ट्स में दोनों बोल्ट यहाँ लगे होते हैं, यहाँ से मैंने खोल के लंबी लेंथ के बोल्ट लिए दोस्तों, इतने लंबे लंबे ये बोल्ट्स हैं दोनों, और बीच में जो डिस्टेंस मुझे कवर करना था उसके लिए मैंने पिस्टन की जो पिंस होती है पिस्टन गजन पिन जो होती है पिस्टन की पिंस जो होती है वेस्टेज उनको काट के यहाँ पर सेट कर दिया ताकि
इस जगह पर फिक्स रहे और साइलेंसर के भी आराम से दूरी बनी हुई, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है वो ये वाला हिस्सा है, तो ये वाला हिस्सा इस ग्राउंड क्लियरेंस से भी ऊँचा है। ज़मीन एक दोस्तों, ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात चल गई तो जैसा कि मेरी हर वीडियो में आपको यूज़फुल बातें बताता रहता हूँ, तो गाड़ी के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस जो कहा जाता है वो उसे कहा जाता है कि ज़मीन के सतह से इंजन के संपर्क में सबसे गाड़ी का सबसे निचला हिस्सा जो सबसे पहले संपर्क में आएगा उसके बीच की जो दूरी होती है वो ग्राउंड क्लियरेंस कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मेरी बात को, ग्राउंड क्लियरेंस उसे कहा जाता है। जैसे कि मान लो वो बाइक खड़ी है, वो बाइक जो उसका स्टैंड है नीचे की तरफ, जो फर्श है, फर्श से इंजन के या मेन स्टैंड या चेचिस जो भी चीज़ सबसे पहले संपर्क में आएगी इंजन के, उसके बीच का जो गैप होता है उसे ग्राउंड क्लियरेंस कहा जाता है दोस्तों। तो इसमें ग्राउंड क्लियरेंस पे जो बात करें, सबसे नीचे हिस्सा ये वाला पोर्शन दोस्तों टच होगा इसका, या हो सकता है ये वाला, मान सकते हैं इसको, ये भी और भी नीचे है। तो ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके ज़मीन जहाँ पर गाड़ी चलेगी, यहाँ जिस पर टिकती गाड़ी, तो यहाँ से यहाँ कितनी दूरी होती है बीच की, इस दूरी को ग्राउंड क्लियरेंस कहा जाता है। तो वो भी इसमें कोई इशू नहीं रहेगा। और ये बहुत सॉलिड और बहुत हेवी पत्ती मैंने लगाई दोस्तों, और ये दोनों बोल्टों को मैंने वापस से टाइट कर दिया यहाँ पर इस जगह से। परफेक्ट टाइट है बोल्ट, बीच का जो गैप कवर करने के लिए मैंने पिस्टन पिन लगा दिया, आपको बताया था। अब ये गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है एकदम से, कभी भी ये टूटने वाला नहीं है। इसको आप एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। बेस्ट तरीका जो मुझे लगा मेरे एंड पे, हालांकि मुझे टाइम लगा, गियर लीवर काटना पड़ा, ये पिन्स काटनी पड़ी, बहुत मेहनत इसमें करनी पड़ी। ये वाली पिन आपको देखा ग्लाइंडर से काट के लगाई थी, लीवर को मैंने काटा, जो गियर लीवर पेडल था उसको मैंने काट के इसमें फिक्स कर दिया दोस्तों। उसकी जो पुरानी मेन स्टैंड की पिन थी वो इतनी जंग खा चुकी थी, उसको तीन तीन टुकड़ों में मुझे ग्लाइंडर से काट के निकालना पड़ा दोस्तों। एक आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आप वीडियो देखें जो आपको यूज़फुल लगती हैं, तो आप कमेंट करें, लाइक करें, और आपके जो भी मैकेनिक भाई हैं उनको आप शेयर करें दोस्तों। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहूँगा, आप मेरी वीडियो देख के खुद कॉपी ना करें। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं ग्राइंडर चलाने में, इन सब कार्यों में, तो ही आप खुद करें, वरना आप किसी वेल्डिंग वाले को, फैब्रिकेशन वाले को ले जाके बताएंगे इस तरह से, मेरी वीडियो को दिखाएंगे उसको कि भैया मुझे इस तरह से गियर लीवर यहाँ पे फिक्स करना है, तो ये वाला सारा काम ईजी है, कोई ज़्यादा बड़ा उसमें काम नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन दोस्तों मैंने इसके अंदर एक चीज़ और भी की है जो बड़े ज़रूरी थी, जो उसका नट है नीचे की तरफ ऑयल खोलने के लिए, उसके में गैप ज़रूरी था, तो मैंने इसके अंदर पूरा कंप्लीट इसमें गैप भी यहाँ पर दिया दोस्तों। आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, ये लगाने के बाद यहां भी देखिए, इसका जो गियर लीवर का नोक है एक तरफ इधर लगा हुआ है, और दूसरा यहां आकर मैंने इसको ख़त्म किया हुआ है अच्छे से। लेकिन आगे की तरफ जब आप देखते हैं तो ये जब भी खोलना पड़े तो उसके लिए मैंने बहुत अच्छे से इसमें गैप दिया हुआ है, ताकि इसको भी कभी ओपन किया जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। और बहुत अच्छे से मैंने काम किया दोस्तों, बहुत सक्सेसफुल है। आप भी अपने कस्टमर को अगर इस तरह से काम करके देंगे तो बिना इंजन खोले, बिना चैम्बर रिप्लेस किए, जो 8 से 9 हज़ार रुपये तक का खर्चा आ सकता है, क्योंकि 3,500 रुपये का चैम्बर है, उसके बाद इंजन की लेबर्स, गैसकेट्स, ऑयल सील और बहुत सारे आइटम भी साथ में, जो कि एक बार खोलने के बाद दोबारा यूज नहीं आते हैं, उनसे कॉन्सुलेशन डैमेज पार्ट गया था, उसमें रबड़ की ऑयल सील है, सिर क्लिप्स, गैसकेट वगैरह नए डालने पड़ते हैं आपको। तो ये केवल एक गियर लीवर का पेडल को काट के इस तरह से मैंने यहाँ पर लगा दिया, और ये आपका काम हो गया दोस्तों। तो ये मुझे लगता है आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद ये वीडियो होने वाली दोस्तों, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरी वीडियो आप देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि क्या क्या इसमें ध्यान रखने वाली बात। बिल्कुल इजी से गाड़ी स्टार्ट भी कर सकते हैं। मैंने स्टैंड लगा के कि पहले जब साइड स्टैंड था इसके अंदर, तो मैंने स्टैंड नहीं होने की वजह से गाड़ी किक स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, जो कि एकदम ईजी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं चाबी ऑन करता हूँ, कुछ सेकंड वेट करता हूँ उसके फ्यूल पंप का प्राइमिंग होने का, 2 से 3 सेकंड जो लगता है फ्यूल पंप BS6 गाड़ी में, जो भी एयर होती है वो निकल जाती है और फ्यूल पंप इंजेक्टर तक प्रॉपरली पहुँच जाता है, उसके बाद ही गाड़ी का किक या सेल्फ स्टार्ट करना चाहिए BS6 गाड़ी के अंदर। बहुत यूज़फुल ये बात है जो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। और गाड़ी हाफ किक में गाड़ी स्टार्ट है बिल्कुल आराम से। मैं स्टैंड को, गाड़ी को स्टैंड पर उतार के भी दिखा देता हूँ। ये आप देखिए इतना अच्छा टेंशन, मैन स्टैंड भी इसका प्रॉपरली वर्क कर रहा है। मैं नीचे करता हूँ, फिर से अपनी पोजीशन में ऊपर आ रहा है दोस्तों। तो ये मैंने केवल गियर लीवर पेडल जो होता है बाइक्स का, उसको कट करके अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग इसका सिस्टम बनाया पूरा, और बहुत सक्सेसफुल रहा। हालांकि इसमें टाइम लेना पड़ता दोस्तों, टाइम लगा है। और कुछ अपना, अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी है तो अपने दोस्तों में, मैकेनिक भाइयों में शेयर कर दो दोस्तों ऐसे। तो एक बार फिर मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप बराबर मुझे अपना प्यार देते रहते हैं। बहुत सारे मैकेनिक भाई मुझसे बात करना चाहते हैं, बार बार उनके कॉल के, सर आपसे बात करनी है,
कुछ मामले के बारे में, कुछ कंप्लेंट्स के बारे में, कुछ और वीडियो किस पे वो टॉपिक पे चाहते हैं, किस तरह कंटेंट उनको चाहिए, उन कंटेंट के लिए वो मुझे बात करना चाहते हैं। तो 2 दिन में इतना आप देख रहे हैं, पूरा वर्कशॉप चारों तरफ से लगा रहता है, मैं बात नहीं हो पाती, फिर भी आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर रहा हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी ज़रूर से आप मैसेज करें, मैं सबका जवाब भी देता हूँ वहाँ पर। और जो भी आपके कम बातें हैं, कोई भी आपके सुझाव हैं, आप उस पर देना चाहते हैं डायरेक्टली मुझे पर्सनली, तो बिल्कुल वहाँ पर दीजिए आप। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।